नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वृक्षारोपण कार्यक्रम में योगी सरकार ने बनाया कीर्तिमान। शाम 6 बजे तक 25,15,12,943 हुआ पौधारोपण। आज पूरे दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का था लक्ष्य। सीएम योगी ने चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारम्भ। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए अनेकों कार्य। नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। जनता की समस्याओं का 100% किया जाएगा समाधान। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर हुए विवाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा, हत्या के मामले में एक व्यक्ति की गई है गिरफ्तारी। जल्द ही बाकी अभियुक्तों की हो जाएगी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं 2 टीमें। प्रदेश में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शासन के नियमानुसार होता है ट्रांसफर। सपा और बसपा के समय ट्रांसफर करना था उद्योग। हरसेवकपुर नंबर 1 निवासिनी महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मामला उगरेरिया थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, आरोपी पति को लिया गया है हिरासत में, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास। जनता का पुलिस के प्रति फीडबैक लेने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने जारी किया क्यूआर कोड। कहा, जोन के सभी नागरिक क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं अपना वोट। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, पूरे प्रदेश में 35 करोड़ लगाया जा रहा है पौधा, अपने जीवन में जरूर लगाए एक पौधा। चक्राउवल स्थित अमरूद बाग में मिला एक व्यक्ति का शव। एसपी सिटी ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या करने का हो रहा है प्रतीत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी स्वाट व राजघाट की गठित की गई है टीमें। जल्द ही होगा घटना का खुलासा। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया उनका दीदार। कहा, छोटे बच्चे प्राणी उद्यान में आकर जानवरों को देखकर ले सकते हैं आनंद। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में किया पौधारोपण। कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में लगाना चाहिए 10 पौधा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश सरकार का 100 दिन का कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा। सभी मंत्रियों ने अपने अपने टारगेट को किया पूरा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ से ज्यादा एक दिन में पौधे लगाकर इतिहास रच दिया है। शाम 6 बजे तक 25,15,12,943 पौधारोपण हुआ। आज पूरे दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। वृहद वृक्षारोपण अभियान की कमान सीएम योगी ने स्वयं संभाला और चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्षा काल में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। योगी सरकार में यूपी के वन क्षेत्र को बढ़ाने में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण हुआ है। 2017 से लेकर प्रतिवर्ष लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी लगातार प्रतिवर्ष नए लक्ष्यों को निर्धारित करके यूपी के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक कार्य कराए गए, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 109 खेल मैदानों का निर्माण कार्य, अंतर्गत रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, व्यायाम हेतु उपकरण, बेंच एवं वृक्षारोपण कार्य किया गया। जल संचयन एवं जल संग्रहण हेतु 739 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 95 अमृत सरोवरों का चयन कर निर्माण कार्य में पाथवे, बेंच, ध्वजारोहण स्थल, शौचालय, प्रकाश की व्यवस्था एवं पौधारोपण कार्य। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया। मनरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के क्रम में पशु शेड 441, गोट सेट में 341 तथा पोषण वाटिका 870 का निर्माण किया गया। योजना अंतर्गत कुल 330 पात्र महिला मेठों का चयन, प्रशिक्षण एवं नियोजन तथा इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत 78,887 जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देते हुए तथा 2,71,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 2,061 आवासों को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 18 आवास विगत 100 दिनों में पूर्ण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 2,655 नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 363 नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया।
1225 नए स्वयं सहायता समूह का गठन कराकर 13,475 महिलाओं को जोड़ा गया। 1824 स्वयं सहायता समूह को 15,000 प्रति समूह की दर से 273,06,000 रुपए की सहायता दी गई है। 73 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन कराया गया है। इसके अंतर्गत प्रति प्रोड्यूसर ग्रुप को 2,00,000 की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपनी आय को बढ़ाते हैं। 6 पोष्टाहार मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना कराई गई है। 375 बीसी सखी का चयन कराया गया है। उनके विकास खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बैंकिंग से संबंधित कार्य किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 52 नए समूहों का गठन किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 70 लोगों को एकल ऋण दिया गया है। 39 नौ रोड निर्माण एवं चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व मरम्मत कार्य कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत 7,238 शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। 273 सामुदायिक कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया जा रहा है। 4,763 सामुदायिक शोक पीठ का निर्माण कराया जा रहा है। 500 दिव्यांगजन को पेंशन दिया जा रहा है। 300 लोगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना अंतर्गत लाभान्वित कराया गया है। 50 लोगों को मोटराइज साइकिल योजना अंतर्गत लाभान्वित कराया गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 3,20,600 बच्चों का नामांकन कराया गया तथा 226 विद्यालयों को गोद लिया गया एवं स्वच्छ पानी पीने योग्य स्थायी पेयजल की व्यवस्था की गई। नया सवेरा योजना अंतर्गत 2 विकास खंडों के 12 ग्राम पंचायत व नगर निगम के 8 शहरी वार्ड के कुल 20 हॉटस्पॉट को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 9,084 मीट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था किसान के लिए कराया गया है। बीज आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 1,560 मीट्रिक टन धान बीज का व्यवस्था किसान के लिए कराया गया है। बीज आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 432 मीट्रिक टन ढैचा, 9 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया, 85 मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पहले यही आ जाना था चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में कौन लोग पहुँच गए थे, प्रेस ले लिए थे, फिर सीधे माननीय देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथों में आने के बाद और राज्य के अंदर पिछले 5 सालों से नेतृत्व आदरणीय योगी जी के हाथों के आने के बाद राज्य के अंदर परसेप्शन भी बदला है और पहचान भी बदली है। दशकों बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है। वर्ष 2017 से पहले यह सपना था कि जो वर्तमान में हकीकत बन गया। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है, यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभागों को 110 सेक्टर में विभाजित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की कार्य योजना बनाई है। राज्य सरकार ने 5 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के उपरांत दूसरी पारी के 100 दिन पूरे किए। 100 दिन के कार्य योजना का प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सभी के सहयोग से राज्य सरकार 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 5 वर्ष की कार्य योजना भी लागू करने में सफल होगी। 37 सालों बाद पहली बार प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ जब कोई सरकार लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर आई है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य के मुख्यमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने पुनः बागडोर संभाली। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया और शांति का माहौल था राज्य के अंदर। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति क्रियान्वित की गई और 2017 से अब तक माफिया और पेशेवर अपराधियों से कुल 2,900
25 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। राज्य का बजट वर्ष 2016-17 में 3 लाख करोड़ रुपए से दोगुना बढ़ाकर अब 6 लाख 15 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 के 130 संकल्पों में से 97 संकल्प का वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सम्मिलित किया गया, से 33 संकल्प को आगामी 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना प्रदेश की एक्सपोर्ट का हब बना रही है। वर्ष 2017 में पहली योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में 86 लाख लघु सीमांतों के किसानों का 36 हज़ार करोड़ की फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया। मार्च 2022 में दोबारा सरकार गठन के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने पहला फैसला लेते हुए प्रदेश के 15 करोड़ जनता के व्यापक हित में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में 3 माह के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार अन्नदाता किसानों के हित में और कल्याण के लिए समर्पित पीएम किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 2.5 करोड़ से ऊपर किसानों को 47,265 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। मार्च 2022 में अब तक प्रदेश में 34 लाख परिवारों को घरों ने वितरित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस इसी सप्ताह जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश 2017 में प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट, 2 आंशिक एयरपोर्ट, वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 10 पर कार्य चल रहा है। वैश्विक महामारी में कोरोना प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रदेश ने विगत 5 वर्षों में दिमागी बुखार पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश को कालाबाजारी नियंत्रण के लिए भारत सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। 108 एम्बुलेंस सर्विस के रिस्पांस पर टाइम कम करने के साथ इसके बेड़े में नए एम्बुलेंस जोड़ी गई है। प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां पर केंद्रीय सूचना विभाग की अभी लखनऊ में पुस्तिका भी जारी की गई है। अब एक बार पुनः प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। योगी सरकार को हम इस दिशा में अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। दशकों बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है। वर्ष 2017 से पहले यह सपना था जो वर्तमान में हकीकत में बना है। प्रदेश का परसेप्शन भी बदला है, पहचान भी बदली है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का शांति है। कानून व्यवस्था इतना अच्छा है कि शांति है, अपने आप लोग यहाँ इंडस्ट्री में भाग लेने और लोग आ रहे हैं। 2.9% इस समय 18% थी, अब घटकर 2.9% रह गई है। प्रधानमंत्री जी देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसके लिए विभिन्न विभागों को 10 सेक्टर में विभाजित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के कार्य योजना बनाई गई है। इसके लिए हर सेक्टर के लिए वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हाल ही में प्रदेश के संपन्न हुए विधानसभा आम चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार और गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया और प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाई। और जनविश्वास का ये सिलसिला निरंतर अपने प्रतिमान स्थापित कर रहा है। स्थानीय चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भी 36 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी का विजय प्राप्त हुआ। अभी महत्वपूर्ण लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव भी जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। इसके कारण सरकार की भी जिम्मेवारी, जनता जनार्दन का जिस प्रकार विश्वास प्राप्त हो रहा है और उसी तरह
राज्य सरकार की जिम्मेदारी और संगठन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और हम सबका दायित्व तो बनता है। इसीलिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री समूहों को 72-72 घंटे एक एक कमिश्नरी में बिताने को कहा गया है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गरीब तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, झुग्गी झोपड़ी तक पहुँचे, ये सभी योजनाएं ठीक ढंग से गरीब को लाभ मिले इसलिए ये योजना बनाई गई है। उसी तरह मंत्रिमंडल के लोगों का प्रवास भी चल रहा है। प्रदेश सरकार, योगी सरकार अगले दो वर्षों में प्रत्येक तहसील में अग्निशमन केंद्र स्थापना के लक्ष्य के साथ साथ कार्य कर रही है। उन्होंने 5 वर्ष में राज्य की GDP दुगुनी वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में लगभग दुगुने की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के बजट में 2016-17 में 3 लाख करोड़ रुपये दुगुना बढ़ाकर 6,15,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। लोक कल्याण संकल्प में 2022 से 133 संकल्पों को मैं से ये पहले ही बोल चुका हूँ। अपने गोरखपुर में जो 100 दिन का लक्ष्य लिया था गोरखपुर हमारे अधिकारीगणों ने योजना कर 109 खेल मैदानों का निर्माण कार्य के अंतर्गत रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, व्यायाम हेतु उपकरण, बेंच एवं वृक्षारोपण कार्य है। जल संचय में जल संग्रहण हेतु 739 तालाबों का जीर्णोद्धार है। योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 95 अमृत सरोवरों का चयन कर निर्माण कार्य में पाथवे, बेंच, ध्वजारोहण स्थल, शौचालयों, प्रकाश की व्यवस्था एवं पौधारोपण कार्य। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में 1 अमृत सरोवर का निर्माण, मनरेगा 1,225 नए स्वयं सहायता समूह का गठन करा के 13,475 महिलाओं को जोड़ा गया है। 1,824 स्वयं सहायता समूह को 15,000 प्रति समूह के दर से 273.60 लाख रुपए की सहायता भी दी गई है। 73 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन कराया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रोड्यूसर को 2 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे वो अपनी आय को बढ़ाते हैं। 6 पुष्टाहार मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना कराई गई है और 375 BC सखी का चयन कराया गया है। उनके विकास खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बैंकिंग से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 52 नए समूहों का गठन किया गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 3,20,600 बच्चों का नामांकन कराया गया है। 226 विद्यालयों को गोद लिया गया और स्वच्छ पानी पीने योग्य स्थायी पेयजल की व्यवस्था की गई है। उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 9,084 मीट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था किसान के लिए कराया गया है। बीज आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 1560 मीट्रिक टन धान बीज की व्यवस्था किसान के लिए कराया गया है। बीज आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 432 मीट्रिक टन और बीज व्यवस्था किसान के लिए कराया गया है। सभी विभागों का है, ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको एक प्रेस विज्ञप्ति भेज दिया जाएगा। लगभग इस वर्ष अपने यहाँ नवीन परियोजनाएं बाढ़ के लिए जो कुल 33 योजनाएं थीं जिसमें 33 योजनाओं में से 5 योजनाएं 100% पूर्ण हो गई हैं। 9 परियोजनाएं 91 से लेकर 99% पूर्ण हो गई हैं। 75 से लेकर 90 11 परियोजना पूर्ण हो गई हैं और 51 से 75 3 परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। 50 के नीचे 2 परियोजनाएं हैं जो जून जुलाई के में भी ये योजनाएं 5 और 30 योजनाएं पूर्ण हो जाएगी। वर्षा काल के उपरांत केवल 2 योजनाएं जो बचेंगी वह पूर्ण होंगी। आज देश में आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर योगी जो मैं बताया कि एक वातावरण हुआ है। आज लोग जो भी अपने हाथ में बोलते हैं योग लिया, आज जन आंदोलन बोला, जनता जनार्दन स्वयं उसको स्वीकार किया। अधिकारियों का कार्यक्रम न होकर जनता जनार्दन का कार्यक्रम है।
सरकार का न कार्यक्रम हो के जनता जनार्दन का कार्यक्रम है, पूरे विश्व के लोगों ने स्वीकार किया। उसी तरह वृक्षारोपण, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण एक जन आंदोलन के रूप में लिया जा रहा है। विद्यालय गांव से प्रधान से लेकर ग्राम सचिव से आंगनबाड़ी तक सभी लोग, जनता जनार्दन का भी इसमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और जो वृक्षारोपण का लक्ष्य लिया गया है वह पूर्ण होगा। गोरखपुर में भी आज 33 लाख कितने 37 लाख का लक्ष्य लिया गया था और ये भी पूर्ण होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 35 करोड़ के आसपास लक्ष्य लिया गया है, ये भी पूरी योजना पूर्ण होगी। और ये चल रहा उसी के निमित्त आज गोरखपुर आना हुआ। सभी मंत्रियों की, अधिकारियों की ड्यूटी आदरणीय मुख्यमंत्री सहित चित्रकूट में है। सभी लोग जनपदों में हैं, तहसीलों में हैं, ब्लॉकों में हैं, गांव में हैं, ग्राम स्तर पर है, मोहल्ले में हैं, गली में हैं और वार्डों में हैं, हर जगह लगे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करेंगे क्योंकि वृक्षारोपण से हम स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर भी स्वस्थ रखता है क्योंकि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन से ही हम लोगों का जीवन सुरक्षित है। इसलिए जो भी लक्ष्य लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व मिला, राज्य के अंदर भी एक नेतृत्व ईमानदार, इसलिए दुनिया के अंदर भी और राज्य भी स्वीकार करता है। और पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है कि जो आज़ादी के बाद कोई स्वच्छता कर्मी का पैर धोने के लिए धरती पर उतरता है दिव्य और भव्य कुंभ में। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो 3 साल से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अपना कोरोना काल में लोग काम कर रहे थे, उनके साथ भोजन करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदरणीय योगी जी ने किया। इसलिए आज गरीब भी, गरीबों का विश्वास, दलितों का विश्वास, बंटांगिया मुसहर लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है और उनका समर्थन मिल रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल भी और संगठन के कार्यकर्ता भी ईमानदारी से हमारा दायित्व बनता है कि जनता से, जनता जनार्दन की हम सब सेवा करें। और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार और वंशवाद को जिस प्रकार राज्य ने नकारा है और आज स्थिति में हम लोग पहुँचे, आप ध्यान देंगे जितने भी किसान आंदोलन चले या कुछ भी चला, आज जनता जनार्दन नकारा और आज हमारी सरकार बनी है। और हम लोग भी तय किए हैं कि जनता जनार्दन का एक दिन हम लोग विश्राम नहीं करेंगे, जनता जनार्दन के इसी तरह हम लोग सेवा करते रहेंगे। कोरोना महामारी में उन्होंने गए नहीं, वंशवाद का सहारा लिया, आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने नकार दिया, उनको एक यादों नहीं मिला कार्यकर्ता वहाँ पर। और इस समय दुनिया के देश के अंदर जातिवाद को और वंशवाद को जनता जनार्दन स्वीकारने वाली नहीं है, वो समझ गई जनता। एक लूटने के लोग बैठे और एक सिरे से इनको नकार देगी जिसकी ये लोग कल्पना नहीं करेंगे। यदि नहीं इन्होंने समझा और नेतृत्व बदलने की कोशिश नहीं किया, परिश्रमी कार्यकर्ता को, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व को, यदि ये लोग उसी पर परिवार जैसे कुंठा कुंडली मार के बैठे रहेंगे, जनता इनको सिरे से निकाल देगी और धरातल पर आ जाएंगे। आज इनके पार्टी में निराशा, आजमगढ़ रामपुर हारने के बाद एक निराशा का माहौल है और ये इनको नुकसान होगा, इसलिए एसी के बाहर निकलना पड़ेगा। एक्सीएन का कौन करेगा, चीफ कौन कौन करेगा, तो वो बिना मंत्री के फाइल का सिग्नेचर हो ही नहीं सकता। आपस में चर्चा कर रहे हूँ ऐसा, देखिए भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार आने के बाद मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ और आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे नियुक्तियाँ हों चाहे ट्रांसफर हो, एक ईमानदारी के साथ हो रहा है और काम के आधार पर हो रहा है। मैं आज मना नहीं कर सकता हूँ, आज के आदरणीय मोदी जी के कारण, राज्य के अंदर योगी जी के कारण, अधिकारियों में भी एक कहा जाए कि हेल्थी कंपटीशन शुरू हुआ है। आकांक्षित जिलों को मेरे ऊपर कैसे आ जाए, 120 श्रेणी में है, एक में कैसे आ जाए, ये अधिकारी कर्मचारियों के अंदर भी एक परिवर्तन आया है मोदी जी के शासन में, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकार की सब अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त गरीब को मिल रहा है, जिसके कारण इसलिए इसमें सभी को लेकर ये होगी छोटी मोटी बातें तो लोग बैठेंगे अपना। अच्छा अपना, तो जी आप पूछो ना, आप पूछो सच्चाई क्या है, मैं तो नहीं, लीक हुई कि नहीं हुई हमें उसकी जानकारी नहीं है। बुंदेलखंड ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में सभी घरों में नल और नल से शुद्ध पानी 2023 से लेकर 24 के बीच में सभी कार्य पूरा हो जाएंगे। यानी कि आज के डेट में एक गरीब की जो आवश्यकता है, पक्का मकान, शौचालय,
आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड इलाज के लिए, बिजली का कनेक्शन फ्री में, गैस का कनेक्शन फ्री में, कोरोना महामारी में 15 करोड़ राज्य को महीने में 2 बार अन्न। अब शुद्ध पानी, बुंदेलखंड की स्थिति ऐसी थी कि ट्रेन भी लोग वापस कर देते थे सफर। आज सभी घरों में 2024 तक, दिसंबर 2022 तक, उसके पहले बुंदेलखंड, बिंध और सोनभद्र मिर्ज़ापुर, और 2024 तक सभी के घरों में शुद्ध पानी और टोटी से निकलता हुआ पानी सभी के घरों तक पहुंचेगा। नवागत SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जन सुनवाई में जन शिकायतों की समस्या को समय से त्वरित निस्तारण करना, अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता रहेगी। जनपद के सभी अधिकारी और पुलिस बल एक टीम भावना के तहत सकारात्मकता से काम करें, जनता से संवाद स्थापित करके काम करें, जनता के फीडबैक के आधार पर काम करें, अच्छा माहौल बनाकर चलें। मुझे पूरी आशा है कि मीडिया का भी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि थाने पर जो भी शिकायतकर्ता शिकायत लेकर आता है, चाहे वह जमीन से संबंधित हो, थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई कर ऐसी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। पुलिस और फरियादियों के बीच व्यवहार के सवाल पर कहा कि हम यही मैसेज अधिकारी और पुलिसकर्मी को देना चाहते हैं कि सरलता से अच्छा व्यवहार व जनता से समन्वय स्थापित कर उनसे फीडबैक लेकर एक अच्छा माहौल और पुलिसिंग करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के SSP के रूप में मेरे द्वारा कल पदभार ग्रहण किया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी में मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है। जन सुनवाई, जन शिकायतों का समय से त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अपराध नियंत्रण और अपराध अनावरण के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। गोरखपुर पुलिस के सभी हमारे पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी एक टीम के रूप में काम करें, सकारात्मकता से काम करें, जनता से समन्वय बनाकर के काम करें, जनता की फीडबैक के आधार पर काम करें और एक अच्छा माहौल यहां पर बनाएं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के अच्छे सुझावों से और आप लोगों की फीडबैक के आधार पर हम एक अच्छी पुलिसिंग आने वाले दिनों में यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें हम लोगों को जनता का भी सहयोग प्राप्त होगा, इसके लिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर स्वागत में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित हों या अन्य किसी माध्यम से हों, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। थाना दिवस और तहसील दिवस दो ऐसे माध्यम हैं जिनको प्रभावी बना करके ऐसे समस्याओं को वहीं के वहीं हल किया जा सकता है और वहीं पर शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है। इन दोनों जो योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ करके और इसके अलावा भी राजस्व और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की समन्वय से इन सभी समस्याओं का हल आने वाले दिनों में करने का पूरा प्रयास किया है। यही मैसेज हम गोरखपुर पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच देना चाहते हैं कि जनता से अच्छा व्यवहार रखें, समन्वय बना करके रखें, अपनी फीडबैक लेते रहें और एक अच्छा माहौल, अच्छी पुलिसिंग करने का पूरा प्रयास किया। देखिए, अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन और खराब कार्य करने वालों को दंडित करना, ये नियमतः इसके सभी प्रावधान नियम में अंकित किए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाती है। जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं उसका अक्षर से पालन सभी स्तरों पर किया जाए, इसको सुनिश्चित। आदेश का कंप्लायंस करना सभी की जिम्मेदारी है और उस आदेश का पालन शत प्रतिशत हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे रोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवाद करने वाले उसके दोस्त ही थे। पार्टी के दौरान दोस्त ने ही सीने में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। सोमवार की रात में रोहित को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया।
मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि रात में फोन पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति के सीने में गोली लगी है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल से व्यक्ति को लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर लखनऊ ले जाते समय घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है तथा पूछताछ जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि मृतक व उसके दोस्त के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद था, क्योंकि मृतक एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसके पास 5 लाख रुपए बकाया था। यह विवाद प्रॉपर्टी के पैसे को लेकर था। एसपी सिटी ने बताया कि बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं, जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, कल रात में 12 बजे के करीब थाना कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के सीने में गोली लगी है। तुरंत थाना पुलिस मौके पर गई, पता किया कि एक रोहित सिंह नाम के 32 वर्षीय युवक को सीने में गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसको BRD रेफर कर दिया गया है। उसके बाद में पुलिस द्वारा पता किया गया कि किन लोगों ने इस व्यक्ति को गोली मारी है, तो एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है एवं उससे पूछताछ करने में पता चला कि ये टोटल 5 लोग थे, उनमें से इनके बीच में पार्टी के दौरान कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद एक 5 लाख रुपए के लखनऊ स्थित किसी प्लॉट के संबंध में ये फायरिंग हुई है एवं इसी व्यक्ति जो अब नहीं है इस दुनिया में, जो मर गया है, उस वो एक प्रॉपर्टी डीलर है एवं ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है। बाकी लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है एवं 302 IPC में मुकदमा दर्ज कर अन्य लोगों के खिलाफ धरपकड़ जारी है एवं तुरंत ही उनकी भी गिरफ्तारी इंश्योर की जाएगी। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर कहा कि योगी शासन में नियमानुसार ट्रांसफर होता है, सपा और बसपा में यह ट्रांसफर उद्योग था। पिछले 5 सालों में नियुक्ति व ट्रांसफर नियमानुसार होता है, अगर कुछ कमी होगी तो उसको बैठकर दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि नियम बना है कि 3 साल में अधिकारियों का ट्रांसफर एक जनपद से दूसरे जनपद हो जाए, इसलिए सभी लोग निश्चिंत होकर काम करें। योगी और मोदी के शासन में अधिकारियों व जनता का सम्मान रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, देखिए योगी शासन में नियमानुसार ट्रांसफर होता है, यह सपा बसपा में ट्रांसफर उद्योग था। आप देखेंगे पिछले 5 साल चाहे नियुक्तियां हो चाहे ट्रांसफर हो, नियमानुसार होता है। हो सकता है एक आध कमियां होंगी, वो लोग बैठ कर बात कर लेंगे। जो नियम बना है कि 3 साल के ऊपर जो भी अधिकारी हैं, कितना परसेंट ट्रांसफर करना है, सभी का अपना अपना लेवल होता होता है। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर काम करिए। मोदी योगी के शासन में निश्चिंत होकर काम करिए। 1 रुपए का अधिकारियों का भी सम्मान रहेगा, कर्मचारियों का भी सम्मान रहेगा, उनकी बदौलत जनता जनार्दन अधिकारी कर्मचारी पूरा मंत्रिमंडल का समूह मिलकर ही जनता की सेवा करना है, इसलिए सभी के सम्मान, किसी को दुख तकलीफ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलहरिया थाना क्षेत्र के हरसेवकपुर नंबर 1 में रहने वाली महिला संजना ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि हरसेवकपुर नंबर 1 की महिला, जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के कारण महिला का उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है, जिसका थाना गुलहरिया में दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके पति को हिरासत में लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का सामने आया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये हरसेवकपुर नंबर 1 में एक महिला जिसकी 4 माह पूर्व शादी हुई थी, उसने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। उसके परिजनों का आरोप है कि दहेज के कारण उत्पीड़न उसका किया जाता रहा है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। इस पर थाना गुलहरिया में दहेज अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और तात्कालिक रूप से उसके पति को हिरासत में लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है। अब प्रथम दृष्टया तो आपसी विवाद का मामला, पति पत्नी के विवाद का मामला सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि परिजन दहेज उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, इसलिए दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया है और अभी तक पति को हिरासत में लिया गया, शेष फरार।
एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस के प्रति जनता का फीडबैक लेने के लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जोन के सभी जिलों की समीक्षा की जा रही थी, लेकिन हमने तय किया है कि लोकतंत्र में हमें जनता के प्रति उत्तरदायी होना है। जनता क्या महसूस करती है यह जानना आवश्यक है, इसलिए हर माह पोल कराकर जनता से फीडबैक लिया जा रहा है कि वह पुलिस के पिछले माह के कार्य से कितना संतुष्ट है, जिसको देखते हुए क्यूआर कोड जारी किया गया है। उस क्यूआर कोड को देखकर लोग स्कैन करके वोट कर सकते हैं कि हमारा कार्य कैसा था, जो कि सभी पुलिस कर्मियों को मोटिवेट करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए समीक्षा तो चलती रहती थी, हमने एक नया तरीका करने किया कि लोकतंत्र में हमें जनता के प्रति उत्तरदायी होना और जनता क्या महसूस करती है हमारे बारे में यह जानना आवश्यक है। तो हर एक माह हम लोग पोल करा रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि वो हमारे पिछले माह के कार्यों से कितना संतुष्ट है। उसी तहत हम लोग ने क्यूआर कोड जारी किया है और उस क्यूआर कोड को देख के लोग स्कैन करके वोट कर सकते हैं और हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं। वो हमें मोटिवेट करेगा अगली बार उससे भी बेहतर करने के लिए, इसलिए ये व्यवस्था शुरू की गई। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पौधरोपण किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश के अंदर व देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश में और राज्य में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच बदली है और लोग भी बदले हैं। अब लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर देश व समाज के लिए जीना चाहते हैं। पूरा देश योग कर रहा है, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों में पौधारोपण जन आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि वृक्ष ही सभी का जीवन है, वृक्ष से ही हम सांस ले पाते हैं, इसलिए पौधारोपण जरूर करें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बहुत शानदार बना है क्या? शेर भी है क्या इसमें? चार हैं और यहाँ पर पहली बार मैं आया जी। एक साल और जान लेते हैं। अरे यार सीधे रहे प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाए भाई, हट जाए भाई, आगे से साइड हो भाई, कैमरा ना आप थोड़ा पीछे जाओ, आप मग्गा पर मग्गा लाओ, थोड़ा पीछे कर लीजिए, पानी पानी दे। अरे भाई न्यूज़ में चलाना और लगाना नहीं, पीछे प्रभु नाम भाई लगी रही है, सांसद जी लंबे आदमी। अरे हम आप हैं, धन्यवाद। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में और राज्य में एक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच बदली है, लोग बदले हैं, अब लोग देश और समाज के लिए जीना चाहते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं और आज राष्ट्रीय हित में जन आंदोलन बन चुका है मोदी जी के कार्यकाल में, राज्य में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। पूरा देश योग अपने आप करता है, सब लोग स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों से वृक्षारोपण भी जन आंदोलन बनते जा रहा है और वृक्ष मेरा जीवन है, वृक्ष से ही हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और प्रकृति का संरक्षण पहली बार
सपा बसपा का शासन लोगों ने देखा है, समर्पित भाव से और आदरणीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में जिस प्रकार मंत्रिमंडल का समूह सभी योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य आदरणीय मोदी जी के जा रहे हैं, अमृत सरोवर हो, वृक्षारोपण हो, योग हो, यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, सभी वर्गों के हित में है। इसलिए देश बदला है, समाज बदला है, अधिकारियों की भी सोच बदली है। अब अधिकारी भी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, वो भी कदम से कदम मिलाकर आदरणीय मोदी जी योगी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको भी लगता है एक आकांक्षा जो जिले हैं उनको नंबर एक मिलाना है। हमारे आंगनबाड़ी से लेकर नीचे स्तर के कर्मचारी अधिकारी भी समाज के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष देश बोस जिस प्रकार ने देश और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, देश को आज़ादी मिली। आज शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम से ये चिड़ियाघर उन्होंने, अब्दुल हमीद, शहीद अशफाक उल्ला और अब्दुल कलाम ने जिस प्रकार देश और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, जीवन देकर देश सुरक्षित रखा है, उस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी और हिंदुस्तान के समस्त कर्मचारी, अधिकारी लोग कदम से कदम मिलाकर दुनिया में ये देश तरक्की करे, दुनिया में नंबर एक का देश बने और पूरे दुनिया को ऑक्सीजन दे, शक्ति दे। इसलिए आज वृक्षारोपण के अभियान, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम सब पूरा करेंगे, समाज के बदौलत पूरा करेंगे, अधिकारियों के बदौलत पूरा करेंगे, कर्मचारियों, समाज के जन आंदोलन बने और समाज के लोग आगे बढ़ें, जैसे दुनिया में योग लोग करते हैं, अपने आप करने लगे हैं, उसी तरह भी एक दिन आंदोलन बढ़ेगा। मैं आदरणीय योगी जी को 100 दिन के कार्यकाल में और बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में रामपुर आजमगढ़ जैसे सीट जनता जनार्दन ने तोहफा दिया है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद हम लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए और मजबूर करेंगे। तो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता मंत्रिमंडल के और परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, जन सामान्य लोगों का सेवा करेंगे और रात दिन चलेंगे, न धूप देखेंगे, न बरसात देखेंगे, न गर्मी देखेंगे, और रात दिन हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, जनता को खुशहाल, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं उस गरीब तक पहुंचे, उसके लिए हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। राजघाट थाना क्षेत्र के चक्रावल स्थित अमरूद बाग में एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो शव का शिनाख्त हरिओम भारती पुत्र नंद किशोर भारती निवासी टोला हटवा जंगल इकला नंबर 2 थाना गुलेरिया के रूप में हुई। व्यक्ति के गले पर चोट के निशान है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि प्रथम दृष्टया व्यक्ति की मृत्यु गला घोटने से होना प्रतीत हो रहा है। सर्विलांस की मदद से घटना में शामिल व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। स्वाट, SOG एवं थाना राजघाट की संयुक्त टीमों द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आज प्रातः थाना राजघाट क्षेत्र में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी अमृतानी बाग, अमरुदों के बाग में पड़ी है। उस डेड बॉडी की जान पहचान की गई, पता चला कि हरिओम भारती नाम का एक व्यक्ति जो गुलेरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसका शरीर जिसके ऊपर लिगेचर मार्क है, जिसकी प्रथम दृष्टया गला घोंट के हत्या की गई है। अभी प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा उसके साथ में जो व्यक्ति लास्ट टाइम सीन थे उनके आधार पर एवं CDR एवं सर्विलांस के आधार पर पता किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं इस घटना में। SOG एवं SWAT की टीम तथा थाना राजघाट शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वृक्षारोपण कार्यक्रम में योगी सरकार ने बनाया कीर्तिमान। शाम 6 बजे तक 25,15,12,943 हुआ पौधारोपण। आज पूरे दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का था लक्ष्य। CM योगी ने चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारम्भ। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए अनेकों कार्य।
नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू, कहा कि अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। जनता की समस्याओं का 100% किया जाएगा समाधान। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर हुए विवाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा, हत्या के मामले में एक व्यक्ति की गई है गिरफ्तारी, जल्द ही बाकी अभियुक्तों की हो जाएगी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं दो टीमें। प्रदेश में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शासन के नियमानुसार होता है ट्रांसफर, सपा और बसपा के समय ट्रांसफर करना था उद्योग। हरसेवकपुर नंबर एक निवासिनी महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का एसपी नॉर्थ ने कहा, आरोपी पति को लिया गया है हिरासत में, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास। जनता का पुलिस के प्रति फीडबैक लेने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने जारी किया क्यूआर कोड, कहा जोन के सभी नागरिक क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं अपना वोट। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया पौधारोपण, कहा पूरे प्रदेश में 35 करोड़ लगाया जा रहा है पौधा, अपने जीवन में जरूर लगाए एक पौधा। चक्राउवल स्थित अमरूद बाग में मिला एक व्यक्ति का शव, एसपी सिटी ने कहा प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या करने का हो रहा है प्रतीत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी स्वाट व राजघाट की गठित की गई हैं टीमें, जल्द ही होगा घटना का खुलासा। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने किया निरीक्षण, जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया उनका दीदार, कहा छोटे बच्चे प्राणी उद्यान में आकर जानवरों को देखकर ले सकते हैं आनंद। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में किया पौधारोपण, कहा सभी लोगों को अपने जीवन में लगाना चाहिए 10 पौधा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश सरकार का 100 दिन का कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा, सभी मंत्रियों ने अपने अपने टारगेट को किया पूरा। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने प्राणी उद्यान केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया तथा जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उनका दीदार किया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्राणी उद्यान को बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर जानवरों के रख रखाव की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी जू प्रशासन की है। उन्होंने कहा प्राणी उद्यान में अलग अलग जानवर हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे यहां आकर जानवरों को देखने का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर डीएफओ विकास कुमार, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, अच्छा है। और यहाँ जैसा डीएफओ साहब बता ही रहे हैं, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि करीब 2000 वृक्षों का पौधारोपण आज किया जाएगा, तो इसकी ज़रूरत है। अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी छायादार हो जाएगा और सभी के लिए सुविधा भी रहेगी। सर, जू का कैसा रहा आपका अनुभव? निरीक्षण किया आपके द्वारा, जानवरों को भी देखा गया आपके द्वारा? अच्छा है, तरह तरह के जीव जंतु हैं और उससे खासकर बच्चों के लिए तो काफ़ी मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक भी है। वो आएंगे और देखेंगे।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में पौधारोपण किया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि हम सभी अवगत हैं कि पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई है जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। यह सभी कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हर वर्ष पौधारोपण की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बार सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा किया जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में 10 पेड़ जरूर लगाए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, डीएफओ विकास कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, अरे नहीं ठीक पौधारोपण किया गया सर क्या उद्देश्य? हाँ, आज हम सभी अवगत हैं कि वृक्षारोपण अभियान की आज से शुरुआत है और ये 15 अगस्त तक चलेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये उसी के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर हर वर्ष संख्या में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 35 करोड़ का लक्ष्य है और उसी अभियान की कड़ी में हम लोग भी यहाँ पे हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप लोग भी वृक्षारोपण कीजिए और ये संदेश सभी तक पहुँचाइए कि हर जन कम से कम 10 पेड़ लगाए। राजघाट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नेशनल हाईवे अमरूद मंडी खडंजा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जीवन भारती उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय राम किशुन निवासी मझरिया बड़को थाना रामगढ़ता जिला गोरखपुर हाल मुकाम अमरूद बाग शकरा अव्वल थाना राजगढ़ जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 9 किलोग्राम नाजायज गांजा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, मंगलदीप देवेंद्र यादव, कुंदन कुमार, सतीश कुमार शामिल रहे। सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने मंगलवार को शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में पौधारोपण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गोरखपुर में 25 लाख पौधा लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और पौधा 35 करोड़ लग रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। हर जगह पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, सर और मैं इधर ही रहते हैं जो, और वो पंडित जी आए हैं कहाँ है बाकी ना, ऐसा लगता है नहा रहा है ना, ये जीव है, एक हमारा दोस्त है, अक्सर पत्तियाँ जवाब देती है, पेड़ से बात करिए पेड़ बात करता है, लोगों से बस समय का इनको, हाँ इसीलिए इन लोगों के साथ छेप। आज मैं यशस्वी हमारे पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि 35 करोड़ पेड़, जैसे पूज्य महाराज जी सोचते हैं वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने आज समस्त उत्तर प्रदेश में
मुझे नहीं लगता कि किसी प्रदेश में एक दिन में इतने पेड़ लगाए गए, तो 35 करोड़ की जो श्रृंखला है उसको आज ख़त्म किया जाएगा। और मैं महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, पेड़ लग रहे हैं 35 करोड़। तो सोचिए कितनी दूरदृष्टा की सोच रखते हैं हमारे महाराज जी, और उस सोच को नमन। तो आज उसी श्रृंखला में आज हमने रेलवे कॉलोनी में लगाया, एनएक्सी भवन में लगाया, अब ये चिड़िया घर है जो अशफाकुल्ला, ये आप देख रहे हैं 110 एकड़ का है, इसमें अनगिनत पेड़ है। तो आज हम लोगों ने यहाँ भी पेड़ की श्रृंखला लगाई, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, उनके साथ भी यहाँ दोबारा पेड़ और लगेगा। तो आज पेड़ पूरे प्रदेश में हर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष से लेके छोटे बड़े जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग आज लगा रहे हैं। देखिए हर एक वर्ष ये जो मौसम होता है मानसून का, ये आइडियल टाइम होता है वृक्षारोपण करने का। प्रदेश में रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और उसी अभियान में हम भी सहयोग करने के लिए, हम अपने पार्ट से कंट्रीब्यूट करने के लिए वन विभाग की ओर से जो आज कार्यक्रम है उसमें भाग लिया और हम लोगों ने एक वृक्षारोपण किया है। इसके साथ साथ हम लोग भी अपने थानों पे, अपने पुलिस लाइनों में आज वृक्ष लगा रहे हैं। सदर सांसद रवि किशन ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कहा कि 100 दिन का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो भी टारगेट अपने मंत्रियों को दिया था वह सभी टारगेट मंत्रियों ने पूरा किया है, जिसमें गोरखपुर नंबर एक पर है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने जो भी कहा था वह पूरा किया है। बरसात के समय में यहाँ पर जल जमाव होता था, अब 2 घंटे में पानी निकल जाता है। गोरखपुर में नौकायन फर्टिलाइजर प्राणी उद्यान केंद्र एम्स को बनाया गया है। यहाँ पर 4 लेन 6 लेन सहित सड़कों का जाल बिछ गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा अद्भुत बीते 100 दिन। महाराज जी ने जो जो टारगेट अपने मंत्री जी लोगों को दिया था वो सब ने अपना टारगेट पूरा किया। उस टारगेट की श्रृंखला में गोरखपुर नंबर वन पर आ चुका है। जो जो कमिटमेंट हुई थी, वो शिविर लाइन की थी, पानी यहाँ पर जल जमाव होता था, अब 2 घंटे में पानी निकल जाता है। बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर 70 साल से पानी लगता था, ये सारे कार्य आप देख रहे हैं कि ये सुंदर एक स्वर्ग जैसा अशफाकुल्ला, ये चिड़ियाघर, ये आप कभी सोचे नहीं थे। नौकायन देखिए, एम्स देखिए, फर्टिलाइजर देखिए, चिड़ियाघर, 4 लेन 6 लेन से लेके एयरपोर्ट देखिए। अभी हम 44 एकड़ का जमीन पारित करवा दिए, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो ये अनगिनत श्रृंखलाएँ, फिल्मों की शूटिंग हो रही, जैसे बाबा गोरक्षनाथ की कृपा बरस रही है, पूज्य महाराज जी की विशेष कृपा, गोरखपुर आज चमक रहा है और आज हिंदुस्तान की नज़र गोरखपुर पर। गोरखपुर इस वक्त विकास के रूप में चर्चा का विषय है। समस्त, मैं पार्लियामेंट जाता हूँ वहाँ भी, और समस्त भारत में जहाँ भी जाता हूँ लोग गोरखपुर की चर्चा करते हैं। गोरखपुर आज बहुत ऊंचाई पर है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वृक्षारोपण कार्यक्रम में योगी सरकार ने बनाया कीर्तिमान। शाम 6 बजे तक 25,15,12,943 हुआ पौधारोपण। आज पूरे दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का था लक्ष्य। सीएम योगी ने चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारम्भ। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए अनेकों कार्य। नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। जनता की समस्याओं का 100% किया जाएगा समाधान। प्रॉपर्टी के पैसे को लेकर हुए विवाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा हत्या के मामले में एक व्यक्ति की गई है गिरफ्तारी, जल्द ही बाकी अभियुक्तों की हो जाएगी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं 2 टीमें। प्रदेश में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शासन के नियमानुसार होता है ट्रांसफर, सपा और बसपा के समय ट्रांसफर करना था उद्योग। हरसेवकपुर नंबर एक निवासिनी महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा आरोपी पति को लिया गया है हिरासत में, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास।
जनता का पुलिस के प्रति फीडबैक लेने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने जारी किया क्यूआर कोड। कहा, जोन के सभी नागरिक क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं अपना वोट। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, पूरे प्रदेश में 35 करोड़ लगाया जा रहा है पौधा, अपने जीवन में जरूर लगाए एक पौधा। चक्राउवल स्थित अमरूद बाग में मिला एक व्यक्ति का शव। एसपीसीटी ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या करने का हो रहा है प्रतीत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी स्वाट व राजघाट की गठित की गई है टीमें, जल्द ही होगा घटना का खुलासा। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया उनका दीदार। कहा, छोटे बच्चे प्राणी उद्यान में आकर जानवरों को देखकर ले सकते हैं आनंद। प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में किया पौधारोपण। कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में लगाना चाहिए 10 पौधा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश सरकार का 100 दिन का कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा, सभी मंत्रियों ने अपने अपने टारगेट को किया पूरा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।